मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो वैसे तो आज संडे है तो मैंने सोचा थोड़ा आराम से उठूंगी, पर तुम तो जानते हो सुबह सुबह का प्रेशर। तो मैंने सोचा अगर मैं उठी गई हूँ तो तुम लोगों को जॉगिंग के लिए ले जाऊँ, क्योंकि मैं दिखाना चाहती हूँ कि मैं जॉगिंग कितनी अच्छी जगह करती हूँ, जहाँ पर मेरा खुद ही जॉगिंग करने का मन करता है। तो मेरे पीछे यह है गन्ने का खेत। अब इसे कोई अपॉर्चुनिटी मत समझना कि हाँ वीना जहाँ रहती है वहाँ गन्ने के खेत हैं, लेट्स डू समथिंग नॉडी। नो वे, यू कांट डू एनीथिंग हियर। यहाँ पे आप जितना मर्जी गन्ना खाओ, कोई रोक टोक नहीं है चोरी करके, ठीक है। देखो यहाँ पे गन्ने के खेत कितने घने हैं, मैं थोड़ा अंदर जाके देखती हूँ। ये देखो, यहाँ पे आप जाइएगा मत क्योंकि यहाँ पे खो भी सकते हैं, खोने का डर भी है। चलो बस इतना ही, बहुत एडवेंचरस हो गई दुनिया। कर रहे हो? अपने आप गिरा होगा, अपने आप पेड़ गिर जाएगा पापा, और कौन गिराएगा? चिड़िया ने गिराया होगा। हाँ, हमारे घर सबको 10 मिनट काम करना ही करना होता है, घर का कोई भी काम। तो आज मेरा टास्क है कि मुझे टीवी स्टैंड साफ करना है, और जो काम नहीं करेगा उसको जायदाद से बेदखल कर दिया जाएगा। इसलिए मैं तो अपना हिस्सा पूरा लेना चाहती थी। मैं तो करूँगी। कैसे साफ किया है? क्या किसन नहीं हुआ बेटा साफ? तो देखिए सामने वाला तो देख रहा है, दांत भी लगे हैं पापा। वो सूखे कपड़े से ऐसे हो रहा, तो मैं क्या करूं? पहले तो गीला तो सूखा। दोस्तों मैंने बहुत बड़ी लकड़ी ली है इसे साफ करने, क्योंकि एक एक कब्र में साफ करने में हाथ लगाना दुख रहा है। देखो मेरी कोनी आ सकती है। लोग दीवार। तो अब नाश्ता वाश्ता हो चुका है और अब मैं चाह रही हूँ अपनी फ्रेंड के यहाँ डांस प्रैक्टिस करने के लिए। तो तुम्हें दिखाऊंगी कि हमारी प्रैक्टिस कैसी चल रही है। तो मैं अपने दोस्त के घर पहुंच चुकी हूँ। हेलो, व्हाट आर यू डूइंग? नमस्ते आंटी। ओहो, आज नई चप्पल दिख रहे हैं मैडम के। ओहो, दिखा रहा। तो अब हमारी डांस प्रैक्टिस शुरू होगी। आर यू रेडी? यस, रेडी टू रॉक। आज तो ये पूरा ऐसे ठुमका लगाएगा। तो दो कंटेस्टेंट की शुरुआत हो चुकी है। Wait a minute. रुको जरा, सबर करो। तो मैं 5 बजे से आई हूँ अपने स्टूडेंट्स को डांस सिखाने, और इसकी परफॉर्मेंस देख के बहुत डिसअपॉइंट हो गई मैं यार। किस किस को ले जाए,
मैं डालू ताल पे भंगड़ा तू भी गिद्दा पाले चलेगा रंग जमा दे हमके बने सभी मत वाले मस्ती छाई हेलो हेलो तू मुझे तुमने लगाई येलो। अब ये मुझसे ले रहा है डांस का बदला। पचासवीं दिन में मैंने कहा क्वेश्चन में क्या पूछा कि 50वीं दिन में पूरा भर गया तो आधा तालाब आधा तालाब कितने दिन होगा मैंने क्या कहा पूरा 50 में भर गया आधा 26 में भरेगा नहीं सॉरी वही बोला क्या यार कितनी बुद्धू है ये कैसा है फेवरेट एक दिन पहले वो आधा होता है तो 50 में अच्छा। पूरा था तो क्या होगा 49 ये फाइनली इसको आंसर हो गया 50 को पूरा हो गया होगा 85 नहीं होता चलो इस ब्लॉगर को आज आंसर मिल गया है। नमस्कार दोस्तों आज मैं मिलाती हूँ हम हांजी आप बोलो चलो नमस्कार नमस्कार दोस्तों आपका हमारे चैनल में स्वागत है मैंने बोला है चलो बोलो नमस्कार दोस्तों आपका हमारे चैनल में स्वागत है ये बोलना नमस्कार दोस्तों अभी रुको टुडंग क्या हो जाएगा सर टुडंग क्या हो जाएगा आंटी आनी मजाक कर रही मैं तैयार हो गया थी नहीं आंटी आप अच्छी लग रही हो देखो ना सूट कितना अच्छा लग रहा कलर अच्छा आ रहा है मेरे कहीं नहीं बाल नहीं आंटी मैं नहाई नहीं खुद तो तू नहाने से क्या चलो मेरे बाल उन खुद नहीं अच्छी लग रही चलो बोलो नमस्कार जोर से बोलना नमस्कार दोस्तों नमस्कार दोस्तों नमस्कार दोस्तों सही बोल रही हूँ आंटी सही बोल रही हूँ आपके चैनल में हमारे चैनल में आपका स्वागत है आपके चैनल में हमारा स्वागत है आंटी मजाक करी तो फिर चलो आंटी तू उनको काट देना जितनी तुमने बना रखी हुई है ठीक है नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है आज हमारे एक गढ़वाल की बहुत फेमस महिला है अपने ही घर में फेमस है उनका आज हम छोटा सा इंटरव्यू देंगे ठीक है सबसे पहले आपसे आपको खाने में सबसे अच्छा क्या लगता है गढ़वाल की एक डिश बताओ जो बहुत फेमस हो और अच्छी लगे आपको खाने में हमको हाँ तो मंडवी की रोटी और हरी सब्जी सब्जी अच्छी लगती है अच्छा तो आंटी आप जैसे कि आपका बचपन पहाड़ में रहा है तो कितना संघर्ष भरा था आपका बचपन संघर्ष भरा मैंने तो बेटा है बहुत काम काम काज होता है और अभी आप सारे खेत अपना गांव सब छोड़ के शहर में रह रहे हो कैसा महसूस होता है यहाँ पे तो बहुत अच्छा लगता है रे पहले बहुत काम होता था बहुत ज्यादा काम होता था गांव में तो बाप रे एक मिनट का भी टाइम नहीं था बैठने का अच्छा गांव में तो हम बहुत सारे काम करते थे अच्छा जंगल में जाते थे तो आपने अपने बचपन ज्यादातर अपना गांव में बिताया जहाँ पे खेत बाड़ी सब कुछ गाय भैंस ठीक है उसी के साथ साथ आपने बच्चों को भी पाला इतनी अच्छी शिक्षा दी बच्चों को पढ़ाया लिखाया आज सब आपकी नौकरी में बच्चे आपको ने कभी सोचा था कि मतलब एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप कभी भी नहीं सोचा मैं तो सोचती थी कि मैं गांव में रहूंगी फिर आप गांव में ज्यादा खुश थे या शहर में आप तो शहर में खुशी है पर पहले गांव में अच्छी थी तो गांव में खुशी थी अच्छा। क्या करें आपका कहने का मतलब है जैसी स्थिति है आपने हमेशा मतलब एंजॉय किया अपनी जिंदगी को एंजॉय तो खूब किया मैंने अच्छा चाहे वो गांव की जिंदगी हो या शहर की जिंदगी मस्त रहती थी मैं खेती में काम करने जाती थी खूब रहती थी मस्त करके घास काटती थी गोबर डालती थी इतनी बड़े बड़े बोझ लाती थी मैं तो वही था तो
थोड़ा पेट भी रहता है। आपने तीन बच्चों को भी पहाड़ में ही जन्म दिया, तीनों को साथ साथ में। इसको तो मैंने पता कहाँ गया, छन्नी में, छन्नी में हो नीचे होते ना गोशाला। मैं वो नीचे जा रही थी ना खेतों में काम करने के लिए, बस आते आते दर्द हो गया मुझे बहुत। फिर मैंने वहीं पे कपड़े बिछा दिया वहीं पे, मैंने बोला मैं यहीं पे। अरे देखो, फिर लोगों ने भगाया मुझे वहां से कि भाग यहां से, हमारा घर ऊपर था ना। अच्छा, मैंने लगाई ऐसी दौड़ और फिर वहां पे बच्चे को जन्म दिया गोट घर में आके। बताओ, घर में कोई भी नहीं था। उसके बाद मैं फिर दोबारा चली गई घास लेने। कुछ घंटों बाद ही, कुछ घंटों बाद ही, मतलब डिलीवरी के बाद ही सीधा काम पर। काम पे चली गई मैं, क्योंकि हमारी तो तीन गाय थी, घर में कोई नहीं, मैं अकेली थी। बाप रे, ये सिर्फ एक महिला की कहानी नहीं है, हमारे पहाड़ में बहुत सारी महिला है जो अभी भी मतलब इतना काम होता है पहाड़ों में, इतना काम होता है बच्चा देने के बाद तुरंत काम करना। हाय राम, कितनी बड़ी बात कह रही आपने। आज का इंटरव्यू हम इधर ही समाप्त करते हैं। सबसे पहले आंटी के लिए प्लीज लाइक कर देना, क्योंकि इन्होंने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी बहुत सफर किया है, और आपके हौसले को हम सलाम करते हैं। और भैया, तो आंटी के लिए प्लीज कमेंट जरूर कर देना कि क्या तुम्हारे गांव में भी ऐसा ही होता है। और बस, बाय।